चीता कैंप में महिला ने किया लड़की पर ब्लेड से हमला। हमले के बाद पूरे परिसर में मचा कोहरा। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको चीता कैंप में 4 जुलाई को एक वारदात हुई है उसकी खबर बता रहे हैं। हीना अकरम खान नामक लड़की है, ये चीता कैंप के ई सेक्टर में आई लाइन परिसर के रूम नंबर 9 में रहती है अपने परिवार समेत, माता पिता समेत। 4 जुलाई को इसी परिसर की एक महिला मंजू ने हीना के घर के ही पास ऑपरेशन ब्लेड से उस पर हमला किया। उसके गाल पर 3 इंच गहरा जख्म हो गया। इस वारदात के बाद हीना और उसके परिवार वालों ने मंजू को पकड़कर रिक्शा में डालकर पुलिस के हवाले किया। वहां से पुलिस ने कुछ देरी बाद उसको छोड़ दिया, ऐसा हीना और हीना के परिवार के लोगों का आरोप है। फिर वही मंजू जो है वो जख्मी हालत में वापस पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस हम पर क्रॉस केस बनाने के लिए कहती है, ऐसा हीना और उसके पिता का आरोप है। और इस पूरे मामले में हीना ने पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक इनसे लिखित शिकायत की है। उसका कहना है कि सही सलामत पुलिस स्टेशन लाई गई मंजू कैसे क्या अचानक जख्मी हो गई, पुलिस ने उसे छोड़ा क्यों, और वो जख्मी होकर आई तो उस वक्त हम लोग पुलिस स्टेशन में ही थे तो हम पर मारने का क्रॉस केस कैसे बन सकता है। ये पूरा मामला जो है चीता कैंप में 4 जुलाई को दोपहर से लेकर रात तक चला। रात में इस घटना को लेकर यहाँ पर काफी कोहराम भी मचा। किस तरीके से कोहराम मचा, कितना माहौल विस्फोटक था, उसके हम वीडियोस आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही मंजू, उसके साथ पिल्लू और लुईस, इनके भी नाम शिकायत अर्जी में हीना ने लिखे हैं। इनका कहना है कि ये सभी आपराधिक किस्म के लोग हैं और ये यहाँ पर धार्मिक और सांप्रदायिक झगड़ा भी करना चाहते हैं। उस दिन भी इनका यही प्रयास था मगर स्थिति जो है वो नियंत्रण में रही और किसी प्रकार का अनुचित मामला नहीं हुआ। अब लुईस, मंजू और पिल्लू, इन पर कार्रवाई की मांग हो रही है और पुलिस द्वारा, स्थानीय पुलिस, चीता कैंप जो पुलिस है, ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन लगता है इसको, और ट्रॉम्बे पुलिस द्वारा जो क्रॉस केस बनाने की बात की जा रही है उससे हीना और उसके परिवार वाले आहत है कि बेगुनाह हमें मार लगी, लड़की का गाल खराब हुआ, 3 इंच गहरा जख्म हुआ और उसके बावजूद झूठा मामला बना करके हमें ही आरोपी बनाया जा रहा है, ये कैसा इंसाफ है।